और बिहार के अंदर इंडी अलायंस के अंदर बहुत घबराहट साफ तौर पे कल के चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ा। लालू जी की आवाज़ नहीं निकल रही, लालू जी का बयान ऐसे हर छोटे बड़े चीज़ों पे आता है, लेकिन कल के चुनाव परिणाम के बाद लालू जी की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी बाबू कुछ नहीं बोल रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप हो गए। तो ये इंडी अलायंस के लोग इस चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी कमजोर स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुके हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम, लोकसभा चुनाव के पहले ये जो इंडी अलायंस नाम का गठबंधन है यह पूरी तरीके से बिखर जाएगा, ये इस स्वरूप में नहीं रहेगा। जैसे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुलेआम इस इंडी अलायंस के बारे में बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी खुलेआम इस इंडी अलायंस के बारे में बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कई जगहों पे इस अलायंस की बैठकों से उठ के निकल जाती है या बैठक में जाती ही नहीं है। ऐसे जो तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, उनकी भी पार्टी उस इंडी अलायंस से दूर है। ऐसे कई लोग हैं, पश्चिम बंगाल का मैं प्रभारी हूँ तो वहाँ टीएमसी कुछ बोलता है, कांग्रेस कुछ बोलता है, कम्युनिस्ट कुछ बोलता है। तो ये गठबंधन पूरी तरीके से भानुमति का कुनबा है और ये भानुमति का कुनबा चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सभी मित्रों को नमस्कार। आज आप सभी लोगों को विशेष तौर पे अपनी खुशियों को, पार्टी की खुशियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया हूँ और आज आप सब लोगों को बुलाने का मकसद था कि कल जो देश के चार राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, उन चार राज्यों के चुनाव परिणाम में जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने के लिए जो अपना जनादेश दिया था, उसकी खुशी आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं और आप सब लोगों का भी मुंह मीठा कर सकूं जो अवसर देश के तीन राज्यों की जनता ने दिया है। आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम देश के उन तीन राज्यों के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जिन तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सम्मानित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देके सरकार बनाने का जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 163 विधायक चुनाव जीते और राजस्थान में 115 विधायक चुनाव जीते। यह इस प्रकार का जनादेश देना बहुत साफ तौर पे
संदेश देता है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही जीत होगी। यह चुनाव परिणाम बहुत साफ तौर पे ये बयां करता है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले बार के मिले सीटों से अधिक सीट जीतकर देश के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के दायित्व को लेंगे, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 303 सीटें मिली थीं, वहीं इस प्रकार का प्रचंड जनादेश बहुत अस्पष्ट संदेश देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सांसदों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी, और एनडीए की संख्या मिला के ये 400 की संख्या पार करेगी। कल जो जनादेश आया है, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 महीने तक रहा था चुनाव में अभी, और छत्तीसगढ़ के बारे में सभी मीडिया के साथी से लेके राजनीतिक पंडित और सर्वे करने वाले लोग यही कहते थे कि वो तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का आना ही संभव नहीं। और मैं वहाँ रहा, मैंने देखा कि गाँव में किस प्रकार से खास करके जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आवाज लगा रहा है, ये बहुत साफ तौर पे मैं महसूस कर रहा था। और हमने उस चुनाव के बाद कई वार्ताओं में कहा भी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता था। उसी तरीके से आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि जब 2024 के लोकसभा का चुनाव आएगा तो बिहार की जनता, और मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूं, पश्चिम बंगाल की भी जनता सहित पूरे देश की जनता, और उसमें जो विशेष करके युवा होंगे, महिला होंगी, किसान होंगे और मजदूर होंगे, इनका अपार समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, 350 से अधिक सीटों पर बीजेपी और 400 से अधिक सीटों पर एनडीए चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाने का काम, सारे राजनीतिक दल के नेताओं पे, जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, कल से मीडिया के सामने कोई नहीं आ रहे। तो जनता के जनादेश ने विपक्षी दलों के नेताओं के गले के आवाज को बंद करा दिया है, जिसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं घेग बंद हो गई, मतलब आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं आज इंडी अलायंस के लोग। आज ऐसी स्थिति जनता ने कर दी है उनकी, और ये तो मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, ये तो वहां के राज्यों की सरकारों के लिए चुनाव था। जब मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो इस इंडी अलायंस के लोगों का इससे भी कमजोर स्थिति जनता चुनाव में कर देगी। और बिहार के संदर्भ में तो मैं बड़े साफ तौर पे कह सकता हूँ कि यहाँ किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए अब इस जनादेश के बाद कि बिहार की 400 की 400 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं जीतेगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में देश को विकसित होते हुए देखना चाहती है, भरोसा करती है। 2014 में भी भरोसा किया था, उस समय भी 32 सीट दिया था 40 में से, 2019 में भी 40 में से 39 सीट दिया था, और 2024 में अब जो एक सीट बचा हुआ था वो पूरा का पूरा देके जनता एक मजबूत ताकत नरेंद्र मोदी जी को बिहार से देने का काम करेगा। और बिहार के अंदर इंडी अलायंस के अंदर बहुत घबराहट
साफ तौर पे कल के चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ा है। लालू जी की आवाज नहीं निकल रही, लालू जी का बयान ऐसे हर छोटे बड़े चीजों पे आता है, लेकिन कल के चुनाव परिणाम के बाद लालू जी की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी बाबू कुछ नहीं बोल रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप हो गए। तो ये इंडी अलायंस के लोग इस चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी कमजोर स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुके हैं। नए दल आने के प्रयास करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं वो देखा होगा कुछ महीने पहले, ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं उन लोगों ने एक बैठक की थी, तो उनके बैठक में 26 दल के लोग गए थे और एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें 31 दल के लोग गए थे। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कौन अलायंस बढ़ा है। लेकिन इंडिया अलायंस में जो दल गए थे वो अपने अपने राज्यों में सरकार चला रहे और आपके यहाँ जो आए थे वो तो वैसे ही सरकार चलाने वाले लोग हैं ना, जैसे ममता बनर्जी चलाती हैं। वहाँ पे आके पटना में और बेंगलोर में जाके सीताराम येचुरी जी के साथ नाश्ता करती हैं और धर्मतल्ला मैदान पे कलकत्ता में जाके उसी सीताराम येचुरी जी और कम्युनिस्ट पार्टी को गाली देती हैं। कौन सा गठबंधन है? नहीं तो ऐसा गठबंधन नहीं होता है, जब टूट गया तो टूट गया, लेकिन कहीं बाहर में जाके साथ में नाश्ता कर रहे हैं और पब्लिक के सामने, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है कि कहीं जाके हम गठबंधन की बात कर रहे हैं और जनता के सामने जब जाते हैं तो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल वो लोग आपस में करता है। बंगाल में टीएमसी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेताओं की बात सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो वहाँ पे किसी मंच पे बैठ के ही लोग गठबंधन बनाने की बात करता है, लेकिन जनता के बीच जब जाता है तो वहाँ इकट्ठा नहीं दिखता है। और एनडीए जैसा बैठक में दिखता है वैसा ही बाहर भी दिखता है। इस चुनाव परिणाम से बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा बहुत साफ असर पड़ेगा। 2014 में बिहार की जनता ने 32 सीट दिया, जनता संतुष्ट हुई, जनता खुश हुई, जनता का विश्वास और भरोसा मोदी जी पे बढ़ा, तो 2019 में 39 सीट कर दिया। अब जिस प्रकार से पूरे देश के परिणाम आ रहे हैं और बिहार के अंदर जो लोगों का मनोभाव है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो बहुत साफ है कि इस बार बिहार की जनता के पास तो अब वही बचा है कि एक सीट और मोदी जी को जो बचा हुआ है वो दे देना है। तो अब इस बार पूरा का पूरा 40 सीट बिहार की जनता एनडीए और बीजेपी को देने का काम करेगी।